बंदा खड़ा होकर कहता है एक मुअज्जज अपोजिशन के मेंबर के बारे में कि मेरा मुंह ना खुलवाएं, इन्होंने कितनी चोरियां की हुई हैं, 15 मिनट ये तकरीर करता है, फिर वो मुअज्जज मेंबर खड़े हो जाते हैं, वो कहते हैं ये वजीर दाखला मेरा मुंह ना खुलवाएं, इन्होंने कितनी चोरियां की हुई हैं, और दूसरे दिन खड़े होकर दोनों कहते हैं कि जमहूरियत की खातिर हम एक दूसरे की चोरी पे पर्दा डालते हैं। इसी मुकमुका को खत्म करने के लिए इमरान खान आया था और यह मुकमुका वापस अब नहीं आएगा। अच्छा, दूसरा वो बिल्कुल मुराद ने मुझे, क्योंकि तकरीर के अंदर जो है ना पुराने अच्छे वक्तों की याद मुझे नजर आ रही थी कि उनको वो अच्छे वक्त याद आ रहे थे जब फोन कॉल करके जज पूछते थे कि मियां साहब क्या हुक्म है, किसको सजा देनी है और कितनी सजा देनी है। अच्छा, जिन्होंने भुगता हुआ है उनको वो भी इधर ही बैठे हुए हैं, तो वो पुरानी यादें याद आती हैं। मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा बुरा नहीं मनाना चाहिए, लेकिन जो ख्वाहिश का जिसका इजहार उन्होंने किया वो ख्वाहिश नहीं पूरी हो सकती। अब स्पीकर साहब, जिस इशू के ऊपर मैं आपसे बात करना चाहता था इस ऐवान से कि पिछले 3 दिन से मैं बहुत शोर हंगामा सुन रहा हूं, ऑपोजिशन का भी सुना, मीडिया का भी सुना, लोगों ने तो ये कह दिया FIR कट जानी चाहिए, असद उमर ने तशद्दुद करने का कहा है। अच्छा, तशद्दुद तो उनको भी पता है कि हमने नहीं कहा, लेकिन मैं उनको समझाना चाहता हूं कि ये मैंने बात की क्यों थी, ये बड़ा मुफीद मशवरा था। ये जैसे बात कर रहे हैं कि एक ऐवान में तो बैठते हैं हम, एक दूसरे की मुखालफत करते हैं, लेकिन कभी कभी जब दूसरा बहुत बड़ी गलती कर रहा हो तो उसको देख के इंसान को ख्याल आता है कि मुफ्त का मशवरा दे ही दे। ये स्पीकर साहब 2019 में पहली दफा काम शुरू हुआ। अच्छा, उस वक्त हालात एक ऐसे बन रहे थे, ये हमारे मौजूद मेंबर यहां पर मौजूद हैं, इनके वालिद साहब मौलाना फजलुर रहमान, ऐसे लग रहा था कि इमर्ज कर रहे हैं कि ऑपोजिशन के मेन लीडर वो उठ के आएंगे और ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग पीछे रह जाएंगी और मौलाना फजलुर रहमान जो है ना वो नंबर वन ऑपोजिशन लीडर बन जाएंगे। वो यहां पर आ गए, यहां पे बहुत अरसे तक बैठे रहे, लोगों ने कहा वजीर आजम को जी आप पकड़ लें, बंद कर लें। उन्होंने कहा कुछ करने की जरूरत नहीं है, इनका जमहूरी हक है, ये करना चाहते हैं ये बेशक करें एहतजाज। उस धरने के नतीजे में, और अच्छा उसके अंदर हुआ क्या कि हमारे कुछ मीडिया के सहाफी जो हैं वो इतने एक्साइटेड हो गए वो देख के कि वो भागे भागे वहां पहुंच गए और उन्होंने नवीद सुना दी पाकिस्तान को, जी कल गया इमरान खान अब परसों गया और हुकूमत खत्म। जब वो धरना नाकाम हुआ तो उसके बाद से किसी ने ये बात सुनी है कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो ऑपोजिशन के मेन लीडर हैं? ऑपोजिशन की दूसरी पार्टियों ने, बड़ी पार्टियों ने उनको लारे देके इस्लामाबाद ले आए। इस्लामाबाद जब वो पहुंच गए तो बेचारे वहां पर जो लोग थे वो सब यही पूछते रह गए कि सानू नहर वाले तो पुल पे बुला के सोना माई कितने रह गया, सोने माई आराम से कराची और लाहौर बैठे थे। चलो जी, एक एक लीडर की उन्होंने सियासत खत्म कर दी। उसके अगली सर्दियों में फिर जोश चढ़ा, फिर उन्होंने कहा कि जी तहरीक चल रही है, धुआंधार जलसे। वो एक हमारे लीडर हैं जो दलेर बहुत ज्यादा हैं, तो वो इतने दलेर हैं कि वो उन्होंने अपने वर्कर्स को सबको दावत दी कि तुम जो हो ना फौज के साथ टकरा जाओ, और उन्होंने फौज के आर्मी चीफ के खिलाफ तकरीरें, DGI के खिलाफ तकरीरें, नाम ले लेके तकरीरें कर रहे हैं। सिर्फ मसला ये था कि वो इस मुल्क से और उन फौज से 6000 मील दूर बैठे हुए लंदन छुपे हुए थे, वहां पर अभी तक वो प्लेटें चमचाई नहीं ठीक हो रहे जिसकी वजह से वो कहते थे बाहर जा रहे हैं। 4 महीने जलसे करते रहे जी, 4 महीने जलसे करने के बाद अंजाम क्या हुआ? अंजाम यह हुआ कि वो पूरी PDM ही तितर बितर हो गई, आखिर में एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने शुरू कर दिए और आपको ऑपोजिशन ही कहीं नहीं नजर आती थी। अब मैं तीसरे साल फिर नहीं सुन रहा हूं, लोगों ने मुझसे सवाल पूछे, जर्नलिस्ट मुझसे पूछ रहे थे कि जी ये क्या हुआ। मैंने कहा यार ये होता है कि बहुत सारी चीजें जो है ना मौसमी होती हैं, सर्दियां आती हैं, नजला आता है, जुकाम होता है, खांसी होती है, उसके बाद सर्दियां खत्म होती हैं चले जाता है, इसलिए एक नया हमारी एक मौसमी बीमारी आई है। सर्दियां होती हैं, PDM होता है, जलसे होते हैं, जुलूस होते हैं, तकरीरें होती हैं, सर्दियां खत्म होती हैं चले जाते हैं, ये फिर चले जाएंगे। तो इनसे हमें परेशानी कोई नहीं है और कोई इनको तशद्दुद हमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मैंने कहा था वो होगा जरूर स्पीकर साहब, कुट तो पड़नी है लेकिन सियासी कुट पड़नी है, इनको हमें हाथ उठाने की उसकी जरूरत नहीं है, ये सियासी तौर पे फिर फारिग हो जाएंगे। अब मैं मीडिया के दोस्तों से मैं सवाल पूछता हूं, मैंने बोला कि सुन लें वो जो मीडिया में
पीडीएम के सहूलतकार हैं, पूरे पूरे इदारों ने शोर मचा दिया, तो क्या वो अवाम के सामने खड़े होके इस बात को कबूल कर रहे थे कि वो पीडीएम के सहूलतकार है? मैंने तो किसी ग्रुप का नाम नहीं लिया, मैंने तो किसी सहाफी का नाम नहीं लिया, मैंने तो सिर्फ ये कहा था पीडीएम के सहूलतकार हैं। और हां, मैं आज फ्लोर ऑफ द असेंबली फिर कहूंगा, ये हमें पता है और ये पाकिस्तान के अवाम को पता है, मीडिया के अंदर पीडीएम के सहूलतकार बैठे हुए हैं जो नाम के सहाफी हैं लेकिन असल में सियासी सहूलतकार हैं। तो हमारी मीडिया जो है आजाद है, जैसी इमरान खान की और तरीके इंसाफ की हुकूमत की तनकीद होती है, शायद दुनिया में ऐसी कहीं पर भी ना होती हो, मीडिया की तरफ से ना हमें ऑपोजिशन से डर है, ना हमें मीडिया से डर है, एक आजाद मीडिया से डर है, बल्कि हम समझते हैं कि एक आजाद मीडिया जमहूरियत का लाजिम व मलजूम है। इंशाल्लाह ताला पिछली 3 सर्दियां भी गुजर गई, ये सर्दी भी गुजर जाएगी, 2023 का इंतजार रखें। 2023 में आखिरी में खत्म करूंगा ख्वाजा आसिफ की बात के ऊपर, एक बड़ी अच्छी उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया और वो ख्वाहिश ये थी कि इलेक्शन में लोग वो आए जो वोट लेकर आए हैं, वो आए जीत कर हुकूमत वो बनाए जिनको अवाम ने वोट डाले हैं, वो नहीं कि जो दूसरे रास्तों से आने की कोशिश करें। इसीलिए उम्मीद है कि इस हाउस पर तमाम पाकिस्तान के सामने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल के ऊपर वोटिंग होगी, जिससे चोरी का रास्ता रोका जाएगा और सारा पाकिस्तान देख रहा होगा स्पीकर साहब कि कौन साफ और शफाफ इलेक्शन के साथ खड़ा हुआ है और कौन धांधली ज्यादा निजाम के साथ खड़ा हुआ है। जी।